की जागती तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है मेहरा महल और आप हैं स्वर्गवासी राजा महेंद्रनाथ मेहरा, जिनके गुस्से की कहानियां अभी तक शहर में मशहूर हैं। आप हैं उनके बेटे स्वर्गवासी दीवान बहादुर वीरेंद्रनाथ। ये भी अपने पिता से किसी तरह कम नहीं थे, फर्क सिर्फ इतना था कि वो बात बात पर तलवार निकाल लिया करते थे और ये पिस्तौल। ये हैं उनके बेटे स्वर्गवासी राय बहादुर सुरेंद्रनाथ, इन्होंने कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। और आप हैं उनके बेटे राय साहब कैलाशनाथ। दामो, दामो। राजन को लेने तुम स्कूल नहीं गए? जाता हूँ। उधर कहाँ जाते हो? घबराहट में रास्ता भूल गया माय बाप। पढ़ा मैं स्कूल की इस 15 साल की जिंदगी में तुम ही एक ऐसे लड़के हो जिसने अपने दिमाग से ऐसी अच्छी चीज निकाली। मैं तो डर रहा था मास्टर साहब, कहीं आप इजाजत न दे। ऐसे नेक काम के लिए कौन इजाजत नहीं देगा नंदू, इससे तो हमारी स्कूल की भी शान है। तो आपका आशीर्वाद हमारे साथ है? सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं, तुम स्कूल की बस को जहाँ तक चाहे ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। देखो नंदू, सफर के बाद सब बच्चे खुशहाल अपने अपने घर पहुँच जाए, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मैं जानता हूँ मास्टर साहब। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। कितना होनहार लड़का है। नंदू गुरु, एक कागज मुझे भी दे दो ना। दो भाई चटपट जी को। लीजिए चटपट जी, लीजिए। हाँ भाई, कौन बाकी है? नंदू, ये कागज कैसे बांट रहे हो? सुनो राजन, हम लोगों ने सबने मिलकर तय किया है कि इन छुट्टियों में सीतापुर का बांध देखने जाएं, और रास्ते में कुछ श्रमदान का काम चल रहा है, उसमें भी भाग लेंगे हम। नंदू भैया, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। लेकिन राजन भैया, ये काम आपके बस का नहीं है। अरे भैया, हम तो अपना काम खुद करेंगे, अपना सामान खुद उठाएंगे, खुद पकाएंगे, खुद खाएंगे। आप हैं नाजों के पले, आप हमारे साथ चलेंगे तो खुद एक बोझा बन जाएंगे, आप थक गए तो आपको पीठ पर बिठाना पड़ेगा। नंदू भैया, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, जो काम तुम सब करोगे मैं भी करूंगा। अच्छी बात है, कल ठीक सुबह 7 बजे आ जाना फाटक के पास। और ये है प्रोग्राम, इसमें सब कुछ लिखा है, कहाँ जाना है, कितने दिन ठहरना है, वगैरह वगैरह। ये लो। अरे भाई, क्यों एक नकल बर्बाद कर रहा है? हाँ। या तो इस कागज की टोपी बनेगी या ना हो। छोटे सरकार, चलिए 5:30 बज गए, 5:30। हेलो, जाइए छोटे सरकार। अरे भाई, गोद में उठा लो इनको, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। तुम लोगों को उसका इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। देखो बेचारा रो रहा है। रो रहा है? हमारे छोटे सरकार को घड़ो आंसू रुलवा दिया और अब आके पूछता है क्या हुआ राजन, चल भाग यहां से। अच्छा तो रो। क्या हुआ राजन? क्या बात है राजन, बुरा मान। मैंने तुम लोगों को क्या डाला है? मैंने तुम लोगों से कब कहा है कि मैं अमित बेटा हूं, मुझसे दूर रहो? फिर तुम लोग मुझे क्यों दूर रहते हो? फिर मुझे क्यों दूर रखते हो? रो मत राजन, ये लोग सब पागल है। अरे हम तो यूं मजाक कर रहे थे भैया। अरे हमें मालूम होता कि तुम्हें हमारे मजाक कितना बुरा लगेगा तो मजाक नहीं करते हैं। माफ कर। लो चक्कर भी माफी मांग रहे हैं। माफ कर। अच्छा अब घर जाओ, देखो रोना मत। चलो चलो हटो। छोटे सरकार, थोड़ा मौसम्बी का रस पिएंगे? मुझको भी दो ना। हट, आया बड़ा चटपट, मुझको भी दो ना। चल बैठ। देखा चटपट, मैं जान ले लूंगा, मैं मार डालूंगा। इधर आ चटपट। तुम क्या मुझे देखते हो? राजन, जी माँ जी। क्या बात है, क्या हुआ राजन को? किसी से झगड़ा करके आया क्या? बोल ना, मास्टर जी ने मारा है? अरे बताता क्यों नहीं? ये क्या बताएगा माँ? मैं बताता हूँ। सच बात तो ये है माँ, तो मुझे अपने साथ किसी नौकर की जरूरत नहीं। दामों के बच्चे को मेरे साथ मत भेजा करो स्कूल में। छोटे सरकार। क्यों, ये करता ही क्या है वहाँ जाकर? क्यों रे दामू, तू राजन का काम नहीं करता?
करता हूँ माँ जी, जो कहते हैं वो काम भी करता हूँ, जो नहीं कहते वो काम भी करता हूँ। यही तो मैं नहीं जाता। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। बात यह है माँ जी कि छोटे सरकार के दोस्त इनका स्कूल में मजाक उड़ाते हैं। क्यों? ईश्वर की दया से छोटे सरकार राजा बेटा है, देखा, नौकर चाकर सुख आराम। माँ जी चलते हैं चलते हैं। अच्छा बाबा। कोई नहीं जलता माँ, ये तो फजूल की बातें करता है। सच बात तो ये है माँ कि मैं चाहता हूँ अपने काम सब अपने हाथों से करूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। मेरे लाल बेटा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटा रहता। और फिर ये धन दौलत ये सब हमें तेरे भाग्य ही से तो मिला है, तो तू क्यों ना सुखोगे। ये तो ठीक है माँ, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने पैरों पर खुद खड़ा रहूँ, अपने काम खुद करूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम यही ठहरना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। अच्छी बात है। सांझ समाचार एक आना, सांझ समाचार एक आना। बात ये है माँ, कल हमारे कुछ दोस्त सीतापुर जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा उनके साथ। हमने एक प्रोग्राम बनाया माँ, जिसमें सब लिखा है, कब जाना, कहाँ ठहरना, क्या करना वगैरह वगैरह। दिखाऊं तुम्हें? अरे रहने दे, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे। तो मैं भी दूध नहीं पीऊंगा। अच्छी जिद है तेरी, दूध पी ले, तेरे बाबूजी आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगी, और अगर वो कह देंगे हाँ तो चले जाना। नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। राजन देखो तो दूध छोड़कर चला गया। चला जाने दो, तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। दामू ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और इस वक्त भी मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूँ। वहाँ के लड़के अगर इसका इसलिए मजाक उड़ाते हैं कि राय साहब कैलाशनाथ का लड़का है, तो छुट्टियाँ खत्म होती ही मैं इसे किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करा दूंगा। तुम उससे कह दो कि वो इन आवारा लड़कों के साथ कहीं नहीं जा सकता। ये क्या माँ, अभी तक तुम्हारा बुखार नहीं उतरा? माँ उतर गया बेटा, जरा अपने लिए कांजी बना लो। नहीं माँ, मैं तुम्हारे लिए कांजी बनाए देता हूँ, तुम आराम करो। कितना प्यारा लड़का है। तो क्या हुआ, तुम जैसे दोस्त तो उसे दिए है ना। चलो नंदू, तुम अपने पक्के ग्राहकों के नाम और पते तो लिखवा दो जल्दी से। हाँ चलो चलो। माँ मुझे जाने दोगी ना? हाँ मैंने सब तय कर लिया है, लेकिन दामू तेरे साथ जाएगा। दामू? छोटे सरकार, आपका क्या क्या सामान बांधना है? तुझे क्या करना है, मैं खुद बांध लूंगा। लेकिन सरकार, मेरा सामान तो मुझे ही बांधना होगा, पता तो चलना चाहिए कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ताकि मैं भी वैसे ही तैयारी करूं। मैं तुझे नहीं बताऊंगा। बता देना। माँ मैं तुम्हें बताऊंगा, उसे नहीं बताऊंगा। अच्छा मुझे बता। अच्छा अब तुम सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी जाना है। गाना सुनाओ फिर सोऊंगा। इतना बड़ा हो गया है और अब गाना गाना होगा? तुमने आदत जो डाल दी है। और वहाँ जाकर कौन गाना सुनाएगा? वहाँ मैं गाऊंगा मालकिन। वहाँ ये सुनाएगा मालकिन। ले सुना। करो अखियां, लो छिप गया चंद।
लो अखियां बंद, ओ बंद करो अखियां। गाड़ी नहीं चलती, धक्के मारो। जाते तो जाता मालकिन, लेकिन उन्होंने ऐसा चकमा दिया कि जिंदगी भर याद रहेगा। जोर लगाते लगाते मेरे हाथ पांव के पुर्जे ढीले पड़ गए। गाड़ी के पीछे एक मील भागा सो अलग। माँ बाप, हाँ तो मालकिन आज क्या सब्जी लाऊं? आलू लाऊं, बैंगन लाऊं, टमाटर लाऊं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बाजार जा रहा हूँ, बड़े सरकार से पूछ लूं आज क्या खाएंगे। बड़े सरकार की बात बाद में करना, पहले छोटे सरकार की बात करो। तू जानता है मैंने राजन को उनकी इजाजत के बगैर भेजा था। ये अच्छा नहीं किया आपने, मैं बाजार जाता हूँ। दामू मालिक, कहाँ छोड़ के आया है तू उसे, और तुमने बगैर मेरी इजाजत के कहाँ भेजा है राजन को? कुछ बच्चों के साथ जाने वाला था, मैंने दामू को साथ कर दिया, सोचा फिक्र की बात नहीं।
सख्त गलती की तुमने। तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसे बच्चों के साथ उसका मेल जोल बिल्कुल पसंद नहीं करता। दामू तुम फौरन जाओ और राजन जहां भी हो फौरन लेकर आओ। बहुत अच्छा मालिक। कौन है? ओहो चटपट। झाड़ू मारो चटपट।
भगवत चारू माधव झटपट छोटा मुंह बड़ी बात। पानी तो रोटी भिजवा देना। रोटी तो है दामू भैया, भूख ज्यादा लगी है। भेज देता हूँ। आलू की साग कैसी है? साग में नमक कम है। नहीं सब ठीक है जी, ऐसी साग तो घर पे भी नहीं मिलती। चाचा और कुछ? बस भैया बस, अब और कुछ नहीं चाहिए। हाँ देखो तुम लोग खाना खाने के बाद जल्द सो जाना। हाँ चाचा, a little bed and a little rice makes a man healthy, wealthy and wise। हाँ चाचा, खाने के बाद हम एक खेल खेलने वाले हैं, आपको भी देखना होगा चाचा। हाँ चाचा, खाना खाने के बाद खेलना नहीं चाहिए, तबीयत खराब हो जाती है। अरे चाचा यही तो कमाल है उस खेल का, उसमें हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाना पड़ता है। सच? हाँ चाचा। तब तो हम तुम लोगों के उस खेल को जरूर देखेंगे भाई। जरूर पसंद भी करेंगे। हाँ तो बच्चों, मैंने तुम लोगों के खेल को समझ लिया है। ये दो टोलियां, एक टोली दूसरी टोली को जवाब देगी। मैं 10 तक गिनती करूंगा और जो टोली जवाब नहीं दे सकी उसे हारा हुआ समझा जाएगा। हाँ तो फिर खेल शुरू किया जाए। रहमान चाचा 10 कम पड़ेंगे, 15 गिनिए 15। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा रा। रघुपति राघव राधा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान ना। नदी किनारे देख के बगला, दूर से कागा बोला, मन है उनका काला भैया, जिनका गोरा चोला। ला ला, लाख रुपए की बात बताए तुमको मेरे भाई, तुमको मेरे भाई, तुमको मेरे भाई, भाई शे, लाख रुपए की बात बताए तुमको मेरे भाई, जग में साथ ना देवे कोई, देवे साथ बुलाई। इसका ख्याल ही मुझे करना फिजूल है, जब मौत है तब मौत से डरना फिजूल है। हाँ यार जानी, ये 10 ठगों का यहाँ जरा निगाह चूकी के माल दोस्तों का। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करेगो कब। बकरी बोली बैल से, बैल रे बैल आ मेरे साथ खेल। बैल कहीं का, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ठीक है काम बिगाड़े आपनो, जग में हो तो हसाए। या करो मुकाबला। हाँ यही धर्म की पहली कक्षा, दीनहीन की करना रक्षा। शाबाश शाबाश, क्षत्रियो को शोभता न भूषण न वस्त्र, उन्हें तो शोभता बस एक शस्त्र। त्रा 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 त्रा, शाबाश शाबाश शाबाश। त्रा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। अरे हार जीत तो यूं ही होती रहती है भाई, जाओ अब काफी वक्त हो गया, सो जाओ। हैं छुप गया चंद, बहे हवा मंद मंद,
बंद कर अखियाए हाय 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 रे बंद कर अखी दामू तुम सरकार पानी पीजिएगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो सरकार मैं आपको लोरी गागा के सुला रहा था सो जाइए भागो यहाँ से देखो सुबह होने के पहले यहाँ से निकल जाओ वरना हम लोगों को तुम्हें भगाने के लिए कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा छोटे सरकार कोई और रास्ता अख्तियार मत कीजिए आपको लिए बगैर अगर मैं घर वापस गया तो बड़े सरकार मुझे बाहर का रास्ता दिखा देंगे अरे बरखुरदार इस आधी रात में तुमने सब बच्चों को जगा दिया आखिर बात क्या है अब आप ही इंसाफ कीजिए चाचा चाचा बाहर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों चलो सो जाओ सो जाओ छोटे सरकार का कहना है कि मैं वापस चला जाऊं और उनको लिए बगैर अगर मैं वापस गया तो बड़े सरकार मुझे नौकरी से निकाल देंगे चाचा मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे बड़े सरकार का गुस्सा आप नहीं जानते अरे बस बस मैं गुस्सा जानता हूँ बड़े लोगों का तू चल मैं तुझे रास्ता बताता हूँ मेरे साथ सच हाँ तो तुम उस बच्चे को इसलिए लेने आए हो कि वो बिगड़ जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल बिगड़ जाएंगे देखा नहीं आपने खुद झाड़ू लगा रहे थे खुद पानी खींच रहे थे आज मखमल के बिछोने पे सोने वाले यहाँ पत्थर का सिराना किए पड़े हुए हैं हाँ बड़े भोले सुनो आओ बैठ हाँ बोलो बोलो क्या बेटे तुम अभी तक अंधेरे में हो मैं पूछता हूँ अपना घर साफ रखना कोई गुनाह है खुद खाना पकाना पानी भरना कोई गुनाह है इंसान को चाहिए कि वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो और ये बच्चे यही तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं तुम इसे बिगड़ जाना कहते हो अरे यही बच्चे तो हमारे नए मुल्क की नींव के पत्थर हैं अगर ये कमजोर हुए तो पूरी इमारत कमजोर बनेगी ये जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मैं तो ये भी कहूंगा कि जो लोग इनके आड़े आते हैं वो हमारे मुल्क की तरक्की की नजरों में गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सजा जरूर जरूर मिलनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं बड़े सरकार को आप तो जानते हैं चाचा मैं तो हुकुम का गुलाम हूँ गुलाम बड़े अच्छे लगते हो अपने आप को गुलाम कहते हुए अरे दुनिया गुलामी के लफ्ज को मिटा देना चाहती है और तुम अपने आप को गुलाम कहते हो कहता नहीं चाचा ये पापी पेट सब कुछ कहलवा देता है अब आप नहीं जानते अगर छोटे सरकार को लिए बगैर मैं घर गया तो बड़े सरकार मुझे नौकरी से निकाल देंगे नौकरी अरे जिसने पेट दिया है वो खाना भी देगा मगर जिंदगी का मजा है सच्चाई के लिए लड़के जीने में लोगों ने अपनी जाने कुर्बान कर दी है सच्चाई पर और तुम एक मामूली नौकरी के लिए रो रहा है अरे इंसान है कुछ खुद ही रखता है खुदा का बंदा है तो जा अपने मालिक के सामने सर ऊंचा करके कहे कि मैं खुद आपके बच्चे को वहां छोड़कर आया हूं इसी में आपकी बच्चे की और मुल्क की बेहतरी तुम ठीक कहते हो चाचा मैं अभी बड़े सरकार के पास जाता हूं और वही कहता हूं जो कुछ तुमने कहा शाबाश चाचा इस वक्त छोटे सरकार को जगाना ठीक नहीं अगर पूछे तो कह देना दामू चला गया हाँ हाँ आदमी को खुद अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए और ये बच्चे मुल्क के पत्थर की नींव है मेरा मतलब है कि नींव के पत्थर है ये अगर कमजोर हुए ये अगर कमजोर हुए तो क्या होगा हाँ ये अगर कमजोर हुए तो इमारत कमजोर हो जाएगी और जो लोग इनके आड़े आते हैं वो मुल्क की तरक्की के नजर में गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए चाहे मैं हूं चाहे आप आप माय बाप मिर्जा हुजूर रहमान चाचा ने मुझे फंसा दिया मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा हुजूर इसलिए मैं छोटे सरकार को वहां छोड़ के आ गया हूं जी सरकार आप राजन को लेने गए थे जी और वहां से लीडर बनकर तशरीफ लाए आपका हिसाब कर दिया जाए गधा कहीं का हुजूर जिस काम के लिए आपने इसे भेजा था वहां दिमाग की जरूरत है ये ठहरा बुद्धू गरीब है माफ कर दीजिए अच्छा तुम फौरन हरिपुर चले जाओ और राजन को ले आपसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ है हां आपसे आपके तो कोई बच्चा नहीं मिर्ज़ा साहब मेरी लेकिन मेरे वालिद मरहूम के पूरे एक दर्जन बच्चे थे सुभान अल्लाह और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो हम लोगों को किस तरह अलग-अलग तरीकों से मनाते थे किसी को हंस वो गाकर किसी के लिए घोड़ा बन जाते थे तो किसी के लिए बंदर मिर्ज़ा जनाब
आदाबर से। नमस्ते श्रीमान, पधारिए पधारिए। आपका परिचय? परिचय? ये परिचय क्या होता है जनाब? अर्थात अर्थात आप कौन हैं? ओ यूं कहिए यूं कहिए, आपकी खिदमत में कुछ गुजारिश है। ये नाचिस बंदा जानना चाहता है कि आपके यहाँ कुछ शहर के लड़के ठहरे हुए हैं। जी हाँ, ठहरे हुए तो हैं, किंतु 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 इस समय वो यहाँ नहीं है। ग्राम में श्रमदान का कार्य चल रहा है, उसमें भाग लेने गए हैं। हरिपुर के मध्य से एक ऐसा मार्ग निकाला जा रहा है जो उत्तर और दक्षिण को मिला दे। क्या फरमाया आपने? आप ऊंचा सुनते हैं। नहीं जी, वैसे तो मैं ठीक सुनता हूँ, लेकिन जिस जबान में आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसे जरा ऊंचा समझता हूँ। जी हाँ। ओहो, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपसे सरल भाषा में वार्तालाप करूँ। आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी तनिक किंचित तनिक किंचित ओ समझा समझा, कोशिश करूंगा कोशिश करूंगा। यदि आपको आपत्ति न हो तो ये बताइए, आप किस हेतु यहाँ पधारे हैं? हेतु? हाँ, इस हेतु से पधारा हूँ कि हमारे मालिक के साहेबजादे राजन नाथ उन लड़कों के साथ यहाँ आए हैं, उन्हें वापस ले जाना है। चलिए महाशय जी। ये किस लिए? चलिए हम पंचे एक डाल के संग संग डोले जी, संग संग डोले, संग संग डोले जी, संग संग डोले। बोली अपनी बोले, बोली अपनी बोले जी, बोले जी बोल। संग संग डोले जी, संग डोले, हम पंचे एक डाल के, एक डाल के। छोटे सरकार, मैं ये पूछने आया कि आपके मिजाज कैसे हैं? ठीक है, आवाज़ आओ।
मैं तो आपको लेने के लिए आया था, लेकिन अब नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आप इतने बड़े नेक काम में लगे हुए हैं, आपको ले जाना गुनाह है मिर्जा जी। लेकिन छोटे सरकार, अफसोस इस बात का है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका सिला आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, मैंने देखा कि लड़कों का लीडर कोई नंदू नाम का छोकरा बना हुआ था, वो सरदार मालूम होता था, और आप मामूली सिपाही। छी 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 छी, राजकुमारों की जिंदगी बसर करने वाले आप इतनी बड़ी कुर्बानी करें और आपको कोई पूछे तक नहीं। राजन, राजन, वक्त बहुत कम रह गया है, जानवरों के चेहरे ठीक कर रहे हैं ना, चलो तुम जाओ, मैं फिर आता हूँ। छोटे सरकार, सुना है कि आप कोई जानवरों का नाटक खेलने वाले हैं, आप क्या बनने वाले हैं? सियार। सियार और शेर? महमूद। वाह 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 वाह, महमूद शेर और आप सियार। अड़ जाइए सरकार, अड़ जाइए, और कहिए कि अगर शेर का पार्ट मिलेगा तो आप करेंगे, वरना नहीं। बहुत अच्छा मजा जी। क्या है नंदू? राजन, जल्दी जाके सियार का चेहरा पहन लो। मैं सियार नहीं बनूंगा। आखिर क्यों? मैं महमूद से किस तरह कहूँ जो वो जंगल का राजा शेर बने और मैं एक मामूली सियार। महमूद शेर अच्छा दिखेगा राजन। और मैं सियार अच्छा दिखूंगा ना? लेकिन रिहर्सल में तो तुम हमेशा सियार बनते आए हो राजन। तुम बनाते आयो इसलिए मैं बनता आया हूँ। तुम हमेशा चाहते हो कि तुम्हारा कहना माना जाए, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जरा सोचो तो राजन, तुम शेर कैसे अच्छे दिखोगे? मैंने सब सोच लिया है, अगर तुम मुझे शेर नहीं बनाओगे तो मैं ड्रामा नहीं खेलूंगा, समझे? राजन, राजन गुरु। मैंने छोटे सरकार को वो पट्टी पढ़ा दी है कि बस, उनसे कह दिया है कि तुम शेर बनो, सियार नहीं। आपस में झगड़ा शुरू होगा, अपना काम बन जाएगा। हाँ, आप बहुत कुशल नीतिज्ञ हैं मास्टर जी। मैं क्या हूँ जरा फिर से कहिए। ओहो जनाब, क्या कहूँ, कैसे समझाऊं? महाशय जी, मैंने आपकी प्रशंसा की है, कोई अपशब्द नहीं कहे। हो, शब्द नहीं कहे, खैर कोई बात नहीं। पंडित जी, छोटे बच्चों में झगड़ा पैदा करा देने में क्या देर लगती है, हा? सूखी घास से आग लगा दो। इस मिर्जा के भड़कने से मैंने सियार बनने से इनकार किया था नंदू भैया। तुम जो भी कहोगे मैं वही बनूंगा, लेकिन इस मिर्जा को मजा जरूर चखाना है। जाने भी दो राजन, चलो अपना काम करें। राजन गुरु, अगर इसे भालू बना के नचाएंगे तो भालू। अरे वाह, तुम लोग जाओ, मैं भी आता हूँ। मिर्जा जी। जी छोटे सरकार। मिर्जा जी, चलिए ड्रामा खत्म करके घर चले, मुझे नहीं रहना इनके साथ। शाबाश शाबाश छोटे सरकार, लेकिन ये ड्रामा खत्म करने की क्या जरूरत है, मारिए गोली और चलिए। नहीं मिर्जा जी, अब तो ड्रामा खत्म करना ही होगा। अवश्य अवश्य बेटा। मिर्जा जी, जी आपको भालू बन के नाचना भी पड़ेगा। मुझे और भालू? हाँ। सुन लिया पंडित जी, मैं भालू। मिर्जा जी सुंदर, अति सुंदर। जो हुक्म सरकार। चलिए चलिए चलिए। क्या बात है मिर्जा जी? अजीब मुसीबत है, ये रीछ का मुंह बैठता नहीं हमारे सर पे। मिर्जा जी मैं बिठाए देता हूँ। ठीक है ठीक है। नंदू भैया, हमारा चेहरा कहाँ? ये लो तुम्हारा सियार का चेहरा, लो। नंदू गुरु, बिल्ली आ गई। म्याओ। अरे बिल्ली जी। हरिपुर के निवासियों, बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ता है कि शहर के बालकों ने आज अपने ग्राम में एक नाटिका का आयोजन किया है। शहर के इन बालकों ने ग्राम ग्राम में जाकर ग्राम सेवा, समाज सेवा और देश सेवा के जो कार्य किए हैं वे आपको विदिती हैं। आपको ये सुनकर और भी खुशी होगी कि इस नाटक की जो प्राप्ति हुई है वो भी हम। शुक्रिया शुक्रिया। सुनो सुनो रे कहानी, एक बहुत पुरानी जिसे कहती थी नानी हो, एक बहुत पुरानी। सुनो सुनो री, सुनो सुनो रे कहानी, एक बहुत पुरानी जिसे कहती थी नानी हो, एक बहुत पुरानी। सुनो सुनो रे कहानी।
कोई नहीं तैयार। अरे बात को समझो यार, इस लालच में आ जाएगा राजा वो खूंखार। ये सब बातें हैं बेकार बाबा, बातें हैं बेकार। फिर क्या होगा? आ जाने दो राजा को, फिर चाल नहीं बतलाएंगे, जैसे चाहेंगे हम पर जा राजा को नचवा। चल तू आगे आगे, मैं चलता हूँ पीछे। ना बाबा ना, चल तू आगे आगे, मैं चलती हूँ पीछे। तू आगे मैं पीछे, तू आगे मैं पीछे। ओ अकल की नानी,
आगे कैसे जाऊंगा मैं राह तुझे बतलानी। सच कहता है रे बेटा, पीछे कैसे जाऊंगी मैं राह मुझे बतलानी। सुनो सुनो रे कहानी, एक बहुत पुरानी जिसे कहते थे नानी हो। एक बहुत पुरानी, सुनो सुनो रे कहानी। खाऊं किधर है सब, खाऊं 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 खाऊं। ओ मामा सियार, ओ मामा सियार, ओ मामा सियार। डरते क्यों हो यार तुम सब, डरते क्यों हो यार। एक मंत्र देता हूँ तुमको, याद रखो हर बार। ये सब बातें हैं बेकार बाबा, बातें हैं बेकार। क्या है मंत्र ओ मामा सियार? अरे मौत से जो डर गए तो वो सफा कर जाएगी। खाऊं खाऊं इसको खाऊं उसको खाऊं किसको खाऊं, खाऊं इसको खाऊं उसको खाऊं किसको। मुझसे डरता नहीं राजा, किसी के मारे कोई मरता नहीं। शेर है राजा यहाँ, जानते नहीं तू शक्ति को पहचान नहीं। बल की शक्ति क्या है? प्रजा की शक्ति, प्रजा की शक्ति है बस एकता। एकता क्या एकता? जो नजर के सामने है देखता। चाहते हो क्या भला तुम मुझसे कहो? आज यहाँ कुर्बानी न हो, दर्द की कोई कहानी न हो। आज यहाँ कुर्बानी न हो, सभी साथ नाचे सभी साथ गाए, सभी साथ नाचे सभी साथ गाए, अहिंसा का मिलके त्योहार मनाए। नाचेगा कौन, गाएगा कौन, बाजे यहाँ पर बजाएगा कौन? ओ मोरे राजा, ओ मोरे राजा, ये बंदर बजाएगा बाजा और नाचेगा भालू आजा। आजा रे आजा ओ मोरे राजा। देख चुके हैं, क्यों राय साहब से कहने का साहस नहीं होगा क्या? साहस यानी हिम्मत? अजी जनाब, मैं खुदा के सिवा और किसी से नहीं डरता। मैं उसे अवश्य कहूंगा, आखिर कल्याण परम कल्याण की बात है। जी हाँ सरकार, और फिर रास्ते बनाना, स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा करना, ये सब नेक काम है। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मुल्क की तरक्की के लिए जो काम हम नहीं कर सकते वो ये बच्चे कर रहे हैं, हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। तो आपको वहाँ सबक सीखने के लिए भेजा था? जी हाँ हुजूर, मैं आपसे भी अर्ज करूंगा कि मुझे भी सबक सीखना चाहिए। हाँ बेवकूफ कहीं के, मैं पूछता हूँ तुम उसे लेकर क्यों नहीं आए? हुजूर मैं ये कहने वाला था
कि अगर उन बच्चों में कोई बुराई देखता या ये देखता कि छोटे सरकार गलत रास्ते पे जा रहे तो उन्हें ले आता, लेकिन वो सब बच्चे कल्याण परम कल्याण की तरफ जा रहे हैं। कल्याण? हाँ कल्याण, वही अपने चतुर्वेदी वाला कल्याण। न मालूम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, मेरी अपनी गलती है कि तुम जैसे बेवकूफ को मैंने वहां भेजा क्यों, अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। देखो वहां के गांव के मुखिया को तार कर दो कि मेरे पहुंचने तक राजन को आगे न जाने दी, समझे? बहुत बेहतर। क्या समझे? आ गए मिर्जा जी, कहिए कैसी रही? बुरी रही, बदतमीज, निकल जा यहां से। जैसे बच्चे राम नाम बजो, आराम राम, जैसे बच्चे राम नाम बजो, आराम राम, जैसे बच्चे राम नाम बजो, आराम राम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई अबद में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अबद में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अबद में भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अबद में भाई भाई। बंधु भैया मैं मर गया। ओ सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हिंदोस्ता हमारा, हिंदोस्ता हमारा, हिंदोस्ता हमारा, हिंदोस्ता हमारा। भाई घर के लोगों को सुबह झगड़ते देखा है, शाम हुई के घर वही उजड़ते देखा है। अरे बनती नहीं है बात झगड़े से कभी यारो, बनते बनते बात को बिगड़ते देखा है। अरे हम पंछी एक डाल के, एक डाल के, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के, होए संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले, बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले, हाँ संग संग डोले जी संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। झगड़े दिन को भूले हो, दिन के झगड़े दिन को भूले, रात को सपनों में हम झूले, रात को सपनों में हम झूले, धरती छाना नीली चदरिया, मीठी नींदे सोले जी सोले जी सोले, हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले, बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले जी बोले, हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के, एक डाल के। लोगों में राजन कौन है? क्यों भाई क्या बात है? उसे रोकने के लिए उसके बाप का तारा है। तारा है? बोलते क्यों नहीं राजन कौन है? मेरा नाम राजन है। नंदू, नंदू कल सुबह होते ही तुम यहाँ से निकल जाना, समझे? लेकिन बोलते क्यों नहीं कौन है राजन? मैंने कहा ना मैं हूँ राजन। तो चलो मेरे साथ। कहाँ भाई कहाँ कहाँ? अरे वहाँ पटेल के पास चलो। चार बोरे चने की दाल, चार बोरे चने की दाल, दो बोरे शक्कर, दो बोरे शक्कर, यही है वो लड़का। अच्छा तो राय साहब कैलाशनाथ के लड़के तुम ही बेटा? लड़के तुम ही हो बेटा।
जी जी हाँ जी हाँ। घर से भाग आए हो जान पड़ता है। जंगली जी देखो इन्हें अंदर ले जा और इनके खाने पीने का ठीक से बंदोबस्त करो। देखो कहीं फिर भागने न पाए। भागने न पाए तुम चुप रहो। मैं चुप हूँ जी। ले जा। तो मंदू भैया क्यों चले गए मेरे? पिताजी ने तो मुझे रोकने के लिए ताल भेजा। ये कैसे हो सकता है कि मेरी वजह से उन्हें सजा मिले? नहीं, मैं भी पटेल जी से जाकर कहूंगा मैं राजन हूँ, मुझे पकड़ लीजिए। ठहरो, अगर यही बात है तो हम सब राजन हैं। ये कैसे हो सकता है कि तुम जाके चार दीवारी में बंद हो जाओ और हम लोग बाहर मौज करें? हैं? ठीक है मैं बताई, हम सब राजन। हम सब राजन। हम सब राजन। क्या तुम सब राजन हो? हम सब राजन। याद रखो तुम सबको बंद कर दिया जाएगा। मैं बोल रहा हूं सीधा ना, सबको बंद कर दो। बंद कर दो। तुम चुप रहो जी। मैं चुप हूँ जी। यही है हमारी वो मंजिल जिसके लिए हम अपने शहर से निकले थे। यही है वो पत्थर की दीवार जो पानी को रोककर अनगिनत खेतों को हरा भरा रखती है, भूखों को दाना देती है और प्यासों को पानी। सच पूछो तो यही भगवान का साकार रूप है। आओ भाई हम इसके दर्शन करके अपने आप को धन्य समझें। भाइयों और बहनों, ये राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं सिर्फ चित्र प्रदर्शनी ही नहीं देव दर्शनी भी है। आप पूछेंगे कैसे? सुनिए। भगवान के मुझको मिल जाए भगवान।
कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान। पूजा के दो फूल चढ़ाकर कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान, के मुझको मिल जाए भगवान। कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान। पूजा के दो फूल चढ़ाकर कहता है इंसान के मुझको मिल जाए भगवान, के मुझको मिल जाए भगवान। चाहे अरे बावले मिल जाए भगवान, बावले मिल जाए भगवान। जो तू चाहे अरे बावले मिल जाए भगवान, तू धर ले मन में इतना ध्यान, जगा ले मन में इतना ज्ञान, जगा ले मन में इतना ज्ञान। क्या गरीब क्या धनवान, सभी है जग में एक समान, सभी का दुख अपना दुख जान, जिसे कहते हैं जग कल्याण, जिसे कहते हैं जग कल्याण। उसी में प्रभु को तू पहचान, उसी में रहते हैं भगवान, उसी में बसते हैं भगवान। यही हमारे तीर्थ मंदिर, यही है चारों धाम, यही हमारे कृष्ण कन्हैया, दादा। ये लो बेटा, हम गरीब गांव वालों की छोटी सी भेंट। दादा ले लो बेटा, ले लो। आपकी इस भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहूंगा कि आप इन पैसों को हमारे उन भाइयों को दीजिए जिन्हें पढ़ने का शौक है लेकिन जिनके पास किताबें नहीं, जो दुनिया की दौड़ में भाग लेना चाहते हैं लेकिन जिनके पास साधन नहीं। हम आज इस गांव से शहर जा रहे हैं, इसे हमारी विदाई की भेंट समझना। ये लो दादा। भाइयों और बहनों, हमारे बेटे ने अभी बताया कि भगवान खेतों में है, मजदूरों में है, किसानों में है, लेकिन भाइयों मैं तो कहता हूँ कि भगवान इन बच्चों में भी है। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे गोकुल का कन्हैया अपने बाल गोपालों के साथ हमें गांव आया और अपनी लीला दिखाकर हमारा मन लुभाकर हमें छोड़कर वहाँ। मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते थे हुजूर, उस जमाने में मेरे पिता यहाँ के पटेल थे, पहले ये गाँव आप ही का था सरकार। मैं जानता हूँ ये राजन। एक क्या, मैंने सभी राजन बन करके रखे। क्या मतलब? मतलब आइए खुद देख लीजिए, खुद देख लीजिए। तुम चुप रहो जी। मैं चुप हूँ जी। कह रहे थे हम सब राजन, अब कैसे चुप हो गए? आप कैसे चुप हो गए? तुम चुप रहो जी। मैं चुप हूँ जी। आइए राज साहब, आइए आइए राज साहब। वादी वहाँ से भागे। वहाँ से भागे? तुम चुप रहो जी। मैं चुप हूँ जी। चुप क्या हो, जाके देखो कहाँ गए। कोई जरूरत नहीं है देखने की,
मुझे मालूम है कहाँ गए, अब उन्हें सीतापुर में देखना पड़ेगा जाकर। गाड़ी रोको। चौक सीतापुर। ड्राइवर मालूम करो चौक किधर है। क्या गरीब क्या धनवान, सभी हैं जग में एक समान। एक समान जीते रहो मेरे नाथ। तेरी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। तुम कैसी हो माँ? ठीक हूँ बेटा, लेकिन तू कितना दुबला हुआ है। सफर के बाद सब बच्चे अपनी माँ को दुबले दिखते हैं। नंदू, अरे वाह, बहुत मोटे होकर आए हो। लो माँ, सुन लिया क्या कहता है गोपाल? भाई गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मेरी मदद को ना आते तो मेरा जाना न होता, न ऐसे स्थान देखने को मिलते, न लोगों की सेवा करने का मौका। मैंने तो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा किया है भाई, और सच पूछो तो अगर तुम ये काम मुझे नहीं दे जाते ना, तो मुझे वो मजा नहीं आता जो जीवन में कभी नहीं आया। सड़कों की वो भीड़ भाड़, टांगे छकड़े मोटरकार, और उन सबको चीरती हुई नया जमाना की पुकार। लेकिन आज से ये सब सपना हो जाने वाला है भाई, मुझे तो आज ही बंबई जाना है। देखो बेटे, अपनी माँ से मेरी राम राम कहना, और ये कहना कि ये तेरा उपकार हम माँ बेटे कभी नहीं भूलेंगे। और मैं भी वो आपका नाश्ता नहीं भूलूंगा मौसी, जो आप बड़े प्यार से सुबह खिलाया करते थे। बेटे, रूखी सूखी रोटी और चटनी ही तो रहती थी, और क्या। लेकिन कितनी अच्छी। अच्छा अब मैं चलूं मौसी। जीते रहो बेटे। चलो भैया। राम राम सरकार, राम राम। कमाल हो गया, आप वहां गए और छोटे सरकार यहां चले आए। आदावर सुसुर, क्या इत्तफाक है, आप वहां तशरीफ ले गए और राजन यहां आ गया। और कुछ फरमाइए। जी कुछ नहीं, शुक्रिया। अजी ये खूब हुआ, आप वहां गए और राजन यहां आ गया। कहां है वो? स्कूल खुल गया है ना, किताबें ठीक कर रहा है। वो अब इसी स्कूल में नहीं जाएगा। राजन यहां आओ। तुम इस स्कूल में अब नहीं जा सकते। क्यों बाबूजी? क्यों बाबूजी? ये क्या किया आपने? ये सब तुम्हारी गलत तालीम का नतीजा है। हमारे खानदान में पहला बच्चा है जिसने बाप के फैसले पर क्यों कहा हो। मैं ऐसे बदतमीज बच्चे की सूरत देखना नहीं चाहता। माँ तुम्हें बताओ, माँ मेरा क्या कसूर था जो बाबूजी ने मुझे मारा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा माँ कि मैं स्कूल में क्यों ना जाऊँ। क्या बुराई है स्कूल में? क्या बुराई है मेरे दोस्तों? चुप चुप मेरे लाल, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। तो फिर क्यों मारा बाबूजी ने? तेरा जवाब देना पसंद नहीं। अच्छे बच्चे माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, बहस नहीं करते। और फिर तू तो मेरा इतना अच्छा लाल है, चल अपने बाबूजी से माफी मांग ले। सुनिए, राजन आपसे माफी मांगने आया है। ठीक है, मगर स्कूल नहीं जाओगे, घर पर ही। जी सरकार। अखबार में इश्तेहार दे दो कि राजन के लिए ट्यूटर की जरूरत है। छोटे सरकार के लिए बाहर के मास्टर की क्या जरूरत है? अगर आपको एतराज न हो तो वक्त निकाल के घंटा दो घंटा मैं ही पढ़ा दिया करूंगा। आप पढ़ा दिया करेंगे? जी जी। जाहिल। नहीं, लेकिन अर्जी है हुजूर। अर्ज वर्ज कुछ नहीं, जो कुछ हुक्म दिया गया उसकी फौरन तामील करो। बहुत बेहतर। जरूरत है राय साहब, कैलाश नाथ जी को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मास्टर व मास्टरों की जरूरत है। मोहित भाई, कुछ सुना तुमने? क्या हुआ?
राय साहब कैलाश नाथ जी को अपने बच्चे को आप यहाँ आए राय साहब कैलाश नाथ जी को अपने बच्चे को पढ़ाने के मास्टर व मास्टरों की जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि राजन इसीलिए स्कूल नहीं आया? नहीं, और अब शायद वो आए भी नहीं। मैंने कहा था ना महमूद भैया। तो हमारे दोस्त को हमेशा के लिए नजर कैद कर दिया गया? अरे बोलना सीधी तरह। अरे भाई तुम सोचो कुछ सोचो। अरे सोच रहा है नहीं, कुछ करना भी पड़ेगा। चलो चलो चलो। सरकार इश्तिहार का मजमून ऐसा था कि इतने मास्टर इकट्ठे हुए हैं कि सारे हिंदुस्तान को पढ़ा सकते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, एक एक को भेजो। बहुत बेहतर। कौन? ओ, लाला का कड़मल। आदावर्ज आदावर्ज। जी हाँ सरकार हैं, अभी बुलाता हूँ। सरकार आपका टेलीफोन। आदावर्दे, ओहो मैं तो बिल्कुल भूल गया, मीटिंग का ख्याल ही नहीं रहा। मैं अभी हाजिर होता हूँ। देखो जी, जो सबसे ज्यादा काबिल हो उसको रख लेना, ज्यादा समझाएंगे। या अल्लाह, दामो राम मिर्जा जी, क्या हाल है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बदतमीज कहीं का। सुनो, बाहर जो साहबान बैठे हैं उन्हें एक एक करके हमारे सामने हाजिर करो। जाओ। समझे। अबे ओ दामू के बच्चे, वहां ही वहां। मिर्जा जी। जी। पहले छोटे सरकार, बाद में आप, इसलिए वहां नहीं वहां। हाँ। सरकार सरकार। क्या है? मिर्जा सुन लेगा। क्या है? सरकार आपको पढ़ाने के लिए बहुत से मास्टर इकट्ठा हुए और मिर्जा उनमें से एक को पसंद करेगा। मैं पूछ सकता हूँ ये मिर्जा पसंद करने वाला होता कौन है? पढ़ना आपको है, पढ़ाना आपके बाप को है, ये मिर्जा कौन होता है बीच में टांग लगाने वाला? नहीं, एक सोचने की बात है सरकार। ठीक है। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी अपने राजा का। बाहर एक से एक बढ़िया मास्टर बैठे हुए हैं। देखिए, आपके लिए मास्टर पसंद करता हूँ। हाँ। आप पसंद करेंगे मेरे लिए मास्टर? जी जी। नहीं छोटे सरकार, एक एक को अंदर भेजो फौरन। दमो जी। छोटे सरकार, मास्टर आप अपना पसंद कर लीजिए, तनख्वाह उनका मैं तय कर लूंगा। हाँ जरूर जरूर जरूर। ओ ठीक है ठीक है। ओ आइए आइए, तशरीफ लाइए। आदाबर से। आदाबर से, आदाबर से। कब से इंतजार कर रहा था कि हुजूर के दरबार में गुलाम का नाम पुकारा जाए। तशरीफ रखिए। यहाँ नहीं तो क्या जमीन पे बैठो। अच्छा, बैठो, बैठो, बैठो। शुक्रिया बहुत बहुत। जनाब की तारीफ। खाकसार को मिर्जा सुलेमान कहते। आप भी मिर्जा, मैं भी मिर्जा। वाह वाह। आपका इस्म शरीफ? नाचीस को मिर्जा उस्मान कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूब जोड़ी मिलाई है परवरदिगार आलम ने, मिर्जा सुलेमान मिर्जा उस्मान। आहा, आहा। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे मिर्जा दो। इसी बेटे को पढ़ाना है मिर्जा साहब? जी हाँ आइए आइए, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। कितना प्यारा बेटा है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? याद नहीं आता। बेटा उधर गौर से देखो, बेटा जरा गौर से देखो। अरे हाँ मिर्जा जी, मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है छोटे सार? स्कूल में, स्कूल में। ओ शाबाश बेटा शाबाश। मिर्जा जी आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपके लड़के को अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है ठीक है, लेकिन मैं आपकी काबिलियत के बारे में कुछ जान सकता हूँ? अजी क्या पूछते हैं मिर्जा जी।
मेरे पढ़ाए हुए लड़के आज बड़े बड़े ओहदों पर हैं। कोई डिप्टी कलेक्टर है, कोई कमिश्नर है, कोई जज है। अजी मैं फतेहपुर में हेडमास्टर था। 4 साल हुए पेंशन पाई है, तब से यहाँ अपने बच्चे के पास रहता हूँ। अच्छा तो आपका बच्चा भी है यहाँ, क्या करता है वो? कुछ ना पूछो बेटा, वो यहाँ सफाई के महकमे में हवलदार है। वैसे कबड्डी अच्छी खेलता है। मिर्जा जी आप अपने मिर्जाजी से पूछ लीजिए, इन्हें पान सिगरेट का शौक तो नहीं? सुना आपने मिर्जाजी, छोटे सरकार को इन चीजों से सख्त नफरत है। हाँ अमाला हौले वाला, खुद मैं खुद इन चीजों से सौकोस दूर भागता हूँ। मिर्जाजी फिर तो इन्हीं को रख लीजिए। शाबाश शाबाश, कितनी अच्छी परख है। मिर्जाजी जी एक अर्ज और है। फरमाइए। मेरे साथ 2 मास्टर और आए हुए हैं। एक अंग्रेजी में माहिर और एक हिसाब में काबिल, यानी कि दोनों मास्टर अपना सब्जेक्ट बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। दरअसल हमारा रायदा एक स्कूल खोलने का था। वो स्कूल यहाँ खुल जाएगी। शाबाश बेटा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। माफ कीजिएगा, बुला लूं मैं? बेशक बेशक। आई 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 आई। माफ कीजिएगा, आप लोग जरूरत नहीं है। आप लोग जाइए जाइए जाइए, हमारा काम हो गया। आप हैं पंडित गिरदर्शनकर जी और बैरागी महाराज। आदाब आदाब आदाब। और आप हैं मिस्टर जॉन साहब। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मिर्जा जी मैंने अपने कमरे में ले जाओ। जरूर जरूर। कितनी 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 नंदू क्यों नहीं आया? भाई मैंने तो नंदू से बहुत कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ। वो कहने लगा कि अपने से तो ये मास्टर वास्टर का ड्रामा होगा नहीं। कितना अच्छा होता अगर वो आता। हाँ हाँ ठीक है, हम सब ने फैसला किया है कि इस साल वो ड्रामा करेंगे। हम बच्चे हैं जहाँ के। किताब का है। चल चल तुम बोला। लेकिन तुम्हें भी पार्ट लेना होगा राजन। चुप। अबे यूं कह के राजन तुमको ही ये ड्रामा करना होगा। ये सरदार सिपाही तुम तो जानते हो भैया, इस कैद खाने से निकलना कितना मुश्किल है। लेकिन तुम तो जानते हो इस कैद खाने से निकलना कितना मुश्किल है। अरे क्यों फिक्र करता है भाई, इस कैद खाने से निकलना मुश्किल है तो इस कैद खाने में आना तो मुश्किल नहीं है। ठीक है चलो रोज मिल लिया करेंगे। लेकिन जिस रोज भाना फूटा उस रोज चल दो। माँ चुप रहो, मैं भी आता हूँ। क्या है माँ? सुना है मिर्जा जी ने तुम्हारे लिए बहुत से मास्टर रखे हैं। हाँ माँ एक से एक मास्टर रखे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। मैं जाकर पढ़ता हूँ। सुन तो आज तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। खुश नहीं, कोई बात तो है। कहाँ ना खुश नहीं बाबा, बोलो ना। सच बात बताओ माँ, बाबूजी से मत कहना। ये मास्टर लोग है ना हमारे दोस्त है, दाढ़ी मूछ लगा कर आए। हाँ महाराज। गुड मॉर्निंग सर। आदाब से आदाब। अरे मेरे साथी कहाँ भागे जा रहे हैं? नाश्ते का इंतजाम किया है। आप नाश्ते मेरे भागे फिर तो बाहर। सरकार मास्टरों को छुट्टी दे दी आपने। आपको भी छुट्टी है? नकली मगर आप गधे असली हैं। है? असली धोखा, सरासर धोखा। मिर्जा जी कैसी रही? बुरी रही बेवकूफ। आपके बच्चे को पढ़ाता है, काबिल आदमी है, सख्त भी है। जी हाँ मुझे बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, तमाम काबिलियतें हैं उसमें। तो तकलीफ करके सुबह उसे मेरे पास भेज दीजिए। अब सोचने से क्या होगा, शरारत बहुत महंगी पड़ी। राजन से मिला जुला तो दूर रहा, ड्रामे की एक ही किताब थी वो भी छोड़ा है वहाँ। लेकिन नंदू क्या राजन ने वादा किया है कि जरूर आएगा, आते अब तो अपनी किताब साथ लाएगा। ला चुका, अब तो राय साहब उसे घर से भी नहीं निकलने देंगे। कैसे नहीं निकलने देंगे, मैं उसे यूं लाऊंगा। चुप, छोटा मुंह बड़ी बात। क्या? मेरा मतलब है चटपट जी, पहले आप किताब तो लाइए फिर राजन को लाने की बात कीजिएगा।
अरे किताब क्या, मैं किताब और राजन को दोनों को एक साथ ही ले आऊंगा। शाबाश मेरी बेटी की शाबाश। क्या है, क्या चाहते हैं आप, नाम क्या है आपका? शक्तिनाथ शर्मा, राय साहब से मिलने आया हूँ। किस सिलसिले में? उनके दोस्त रामदास ने भेजा। ओ, छोटे सरकार को पढ़ाने आए हैं आप। समझा, हुलिया तो बदल दी लेकिन ये कद कैसे बढ़ाया? क्या मतलब? हाँ, जरा ठहरिए। ये क्या बात है मिस्टर? जी माफ कीजिए, देख रहा था असली है या नकली। ये तो बिल्कुल असली है। नाम क्या फरमाया हुजूर ने? शक्तिनाथ शर्मा। शक्तिनाथ, श्री शक्तिनाथ शर्मा। हाँ श्री, रामदास ने भेजा है आपको। ओ, आप हैं, तशरीफ रखिए। कहाँ है वो लड़का जिसे मुझे पढ़ाना है? अभी बुलाता हूँ। मिर्जा जी। जी नहीं, तुम जा सकते हो। देखिए, उसे बुलाने से पहले मैं कुछ बातें तय करूँ। मैं बहुत सख्त आदमी, मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए। जब मैं लड़के को पढ़ाऊं, कमरे में कोई नहीं है, नौकर चाकर कोई नहीं, लड़के की मां भी नहीं। बिल्कुल ठीक। और आप भी नहीं जी। पढ़ाने का कमरा अलग होना चाहिए। वो है उसका कमरा, वहां कोई नहीं जाएगा। ओ ठीक। अच्छा ये तो फरमाइए कि आपका नजराना क्या होगा? जैसा लड़का, लड़का अगर ज्यादा शरारती है तो नजराना ज्यादा होगा। तो आप फायदे में रहेंगे, वो काफी शरीर है। आप फिक्र न कीजिए, मैंने बड़े बड़े टेढ़े लड़कों को सीधा कर दिया। आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं? जी नहीं। इससे पहले पढ़ाया करते थे? पहले मैं सर्कस में रिंग मास्टर था। तो आप सही आदमी हैं। जो शख्स जानवरों को ट्रेन कर सकता है, बच्चों को सीधा करना उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। चलिए मैं आपको मिला दूं। जी नहीं, उसके दिमाग पर यह असर नहीं होना चाहिए कि आपने मुझे उसको पढ़ाने के लिए नौकर रखा है। मैं उससे खुद मिलूंगा। भागता कहाँ है? उधर चलो, चलो उधर। बैठ जाओ। पहले आप बैठिए। देखो मैं मास्टर। जी, रिंग मास्टर। हाँ। किताबें लाओ। किताबें? जाओ। जाता हूँ। उधर क्या है? राजेंद्रनाथ मेहरा, क्लास पांच। पांचवी क्लास? जी नहीं, जी हाँ। उधर क्या देख रहे हैं? चिड़िया। कैसी चिड़िया? कहाँ की चिड़िया? भाई वहां बैठे हैं और तू चिड़िया देख रहा? कोई सबक याद है? सबक? फिर क्या याद है? एक कविता याद है, सुनो। सुनाओ। मैं तो खड़े होके सुनाऊंगा। सुनाओ। सुनाओ मास्टर जी। उड़ जा उड़ जा उड़ जा पंछी पंख पसार। आगे। बाग में एक सयाद आया, साथ में अपने जाल लाया। आगे 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 नहीं आता मास्टर जी। उड़ जा उड़ जा, अरे उड़ जा ना, उड़ जा उड़ जा उड़ जा पंछी पंख पसार। बैठ जा। पंछी उड़ गया मास्टर साहब। हाय, पंछी उड़ गया मास्टर साहब, ये भी कोई कविता है? तो फिर आप सिखाइए। कविता भी कोई पढ़ाने की चीज है? लो किताब पढ़ो। किताब पढ़ो जी। अच्छा, ये तो पांचवी किताब है, मैं दूसरी किताब पढ़ सकता हूँ? हाँ, पढ़ता है पांचवी क्लास में और किताब पढ़ सकता है दूसरी क्लास की। समझा, तुझे पहली किताब से पढ़ाना पड़ेगा। तो आज छुट्टी? आज बिना किताबों के पढ़ाएंगे। सुनो,
कल से ठीक 5 बजे से 7 बजे तक। कल से ठीक 5 बजे से 7 बजे। हम वक्त बता रहे हैं। हम वक्त बता रहे हैं। चुप रहो। ओ बताइए। न एक मिनट इधर न एक मिनट उधर, क्या समझे? न एक मिनट इधर न एक मिनट उधर। उधर उधर। इस वक्त कितने बजे? जितने कल बजे थे। मैं पूछता हूँ इस वक्त इस घड़ी में कितने बजे हैं? इस वक्त इस घड़ी में 5:20 हुए हैं। ठीक, तुम घड़ी देखना जानते हो। 5:30 बजने आए, न राजन का पता है न चटपट का न ड्रामे की किताब का। कहीं चटपट का भी तो हाल नहीं हुआ जो राजन का हुआ? नहीं। अरे राजन चटपट कहाँ है? चटपट राजन बन के घर में बैठा हुआ है। क्या मतलब? हमारे नए मास्टर साहब चटपट को राजन समझ गए, इसीलिए मैं यहाँ चलाया। ये तुमने ठीक नहीं किया राजन, अपने माता पिता को धोखा देकर इस तरह चुपके चुपके यहाँ रिहर्सल में आना तुम्हारा ठीक नहीं। धोखा कैसे नंदू भैया? तुम नहीं जानते पिताजी ने जो मास्टर रखा है वो मास्टर नहीं रिंग मास्टर है। इससे तो बेहतर है मैं यहाँ रिहर्सल भी करूँ और अपनी पढ़ाई भी। नंदू भैया मैं तो खुद चाहता हूँ कि इम्तिहान में अव्वल दर्जे पास होकर पिताजी को यह साबित कर दूँ कि मैं कभी किसी बुरी संगत में नहीं था। ठीक है, तो कल से अपनी किताबें यहाँ ले आना, समझे? अच्छा। महू भैया अपना पाठ सुनाओ। अरे पाठ तो सुनाऊंगा भैया, पहले एक मेरा शेर सुन लो फड़कता हुआ। अर्ज किया है, आजादी वतन की ले आए, आजाद दिलों को करना है, कागज पे कोरा नक्शा है, कागज पे कोरा नक्शा है, रंगों को अभी तो भरना है। बाबा की जरूरत नहीं, समझने की भी जरूरत है। हाँ अब मैं जाता हूँ, बहुत देर हो गई है, चटपट मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा अच्छा जल्दी से जाओ। अच्छा भाई। अच्छा 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 हाँ। राजन गुरु मास्टर जी ने कहा ना एक मिनट इधर ना एक मिनट उधर। ठीक है, तुम ठीक 5 बजे इधर मैं उधर, तुम ठीक 7 बजे इधर और मैं उधर, तुम्हारा ड्रामा इधर मेरा ड्रामा उधर। राजन पढ़ा कुछ? हाँ माँ बहुत पढ़ा। अच्छा थोड़े दिन और पढ़ ले, फिर तेरे बाबूजी को बोल के मैं इस मास्टर को बदली करवा दूँ। नहीं माँ, मास्टर को बदली मत करवाना, बहुत अच्छा मास्टर है, वैसे दिखने में भयानक है लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा माँ बहुत भूख लगी है, चलो खाना, खाना दो। चलो। अरे सुन तो, चाह तो मुझसे क्या है, खाना नहीं खाएगा? अरे हाँ खाना तो भूल ही गया। राजन कह रहा था मास्टर जी तो बहुत ही अच्छे हैं। सब ठीक हो जाएगा, आप देखती जाइए, मैंने कोई मामूली आदमी नहीं रखा है। आज हम सवाल पूछते हैं, जवाब दो। पहला सवाल, एक पेड़ के ऊपर 10 परिंदे बैठे हुए, एक शिकारी ने बंदूक चलाई और एक परिंदा मर गया, बताओ अब उस पेड़ के ऊपर कितने परिंदे बाकी रहे? एक भी नहीं। क्यों? माँ बोले बात है, बंदूक की आवाज सुनकर पंछी उड़ गए। बहुत ठीक बहुत ठीक। अच्छा अब दूसरा सवाल, हमने एक कटहरे में 2 बकरी 3 भेड़े और 1 शेर को बंद कर दिया, तो बताओ कि 1 घंटे के बाद उस कटहरे में कितने जानवर बाकी रह जाएंगे? 3 और 2 5 और 1 6। क्यों, शेर खा नहीं जाएगा? कैसे खा जाएगा, आप जो थे वहाँ पे रिंग मास्टर। तुम बहुत होशियार हो गए हो। 1 2 अभी और रिहर्सल की जरूरत है। मैं भी जल्दी की, मैं भी आया। अच्छा चलो भाई। राजन रिहर्सल नहीं करोगे क्या? करूंगा भैया, 2 सवाल खत्म करके। अच्छी बात है, उन्हें भी खत्म कर लो।
मैं तुम्हें तकलीफों का अंदाजा लगा सकता हूँ राजन, हमें तो सिर्फ रिहर्सल ही करनी पड़ती है, तुम्हें तो रिहर्सल भी करनी पड़ती है और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी। अपने सवाल खत्म करके आ जाना। हाँ अच्छा, सरकार अपने छोटे सरकार के स्कूल के हेडमास्टर मिलना चाहते हैं। मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। सरकार लेकिन वो आपको दावत देना चाहते हैं। काहे की दावत, क्या उनके लड़के की शादी है? कहते हैं सरकार कि पहले बीच बना या पे? बीच बनाया पे? ये भी कोई सवाल है? बीच बनाया पे? बिल्कुल आसान है। तो फिर करिए। हाँ जाओ, कल बताएंगे। छुट्टी, वक्त हो गया। अभी तो 20 मिनट बाकी है। ये घड़ी गलत। जाओ छुट्टी। से काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि भांडा ही फूट जाए। आप फिक्र ना कीजिए राजन गुरु, आज मास्टर जी आएंगे भी नहीं। क्यों? इसलिए आज उनको ये बताना है पहले पेड़ बना या बीज। अगर आएंगे तो 4 घंटे लग जाएंगे सोचते सोचते। जा तुम ड्रामा खेल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं चला। अच्छा है मिला शरीफ। दुआ, आज महीना पूरा हुआ लिहाजा मेरी फीस तय हो जानी चाहिए। मैं तय हो जाने की बात क्या है, जो आप फरमाए वो हाजिर कर दिया जाए। 100 रुपया माहवार नहायत मुनासिब। मिर्जा जी। सरकार, मास्टर साहब की खिदमत में 100 रुपए पेश कर दो। बहुत बेहतर। मुझे याद दीजिए, एक मीटिंग में शिरकत करना है। जी नहीं, जाने से पेशतर ये भी मुलाजा फरमा लीजिए कि मैंने आपके लड़के को कितना बदल दिया है। ठीक है, अगर 5 मिनट में काम हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आओ प्रेमा, तुम भी मास्टर साहब की कारगुजारी देख लो। चलो जरूर। नमस्ते मास्टर साहब। नमस्ते। आइए राजा। अरे बाप रे, भगता कहा? पकड़िए राजा साहब, भगता। भाग गया। तो आप किसे पढ़ाते रहे? जी हाँ, और नहीं तो किसको पढ़ाता? फिर तो जनाब रिंग मास्टर साहब आप उल्टे पढ़ते रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मेरा बच्चा नहीं था। फिर किसका था? ये उसी से पूछिए, वही बताएगा आपको। हाँ। आपने ठीक ही कहा था कि आप अपने लड़के को बिल्कुल बदला हुआ पाएंगे। वो वाकई बदला हुआ है। हाँ। अब इस लड़के का इलाज सिवाय इसके और कोई नहीं कि इसे जल्द जल्दी यहाँ से बाहर भेज दिया जाए। कहाँ है राजन? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें जरूर मालूम होगा। मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता। तो फिर वो उसी ड्रामे में गया होगा। कौन सा ड्रामा? स्कूल की सोशल गैदरिंग के लिए हेडमास्टर साहब मुझे दावत देने तशरीफ लाए थे। फरमाते थे कि बच्चे बड़े जोरों में तैयारियां कर रहे हैं। ये बदमाश 1 महीने से उसी ड्रामे की तैयारी में होगा। देखता हूं कैसे होता है ड्रामा। सुनिए तो। राजन गुरु, राजन गुरु, राजन गुरु, राजन गुरु, भंडा ही फूट गया। क्या हुआ? आपके पिताजी को पता चल गया कि मैं इतने दिन आपकी जगह पढ़ा करता था। बाप रे बाप। आइए आइए राय साहब, हमारे आओ, पधारे। कल तो मैं बिल्कुल निराश हो गया था। ये बताइए राजन कहाँ है? यही है, आप उसका स्टेज पर कान देखकर खुश हो जाएंगे। मुझे ये बताइए वो है कहाँ, मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ।
राय साहब आप भी पधारे हैं, बहुत खुशी हुई। नमस्ते हेडमास्टर साहब। नमस्ते जी। राय साहब नहीं आए जी? नहीं। अच्छा तो हेडमास्टर साहब। नमस्ते हेडमास्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते राय साहब। हाँ लाला छगनलाल जी आप भी आए हैं। हेडमास्टर साहब आपकी परेशानी अब दूर हो गई, राय साहब आ गए हैं, आप ही को प्रेसिडेंट बनाइए ना। जी नहीं, मैं प्रेसिडेंट बनने नहीं आया हूँ। राय साहब को ही प्रेसिडेंट बनाया जाए। देखो राजन सीढ़ी ठीक तरह से पकड़ना। राजन राजन तुम्हारे बाबूजी इधर आ रहे हैं। बाबूजी। नंदू भैया। नंदू भैया चोट लगी, माफ करना नंदू भैया। कोई बात नहीं राजन। अरे हार लाओ भाई हार लाओ। मेरी तो सुनिए साहब। बस एक मिनट राय साहब। भाइयों और बहनों, अपने इस शहर में श्रीमान राय साहब कैलाशनाथ को कौन नहीं जानता। बड़े अनुरोध के बाद राय साहब ने सभापति बनना स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम सब उनके आभारी हैं। देखो राजी तुम तैयार हो जाओ, सबसे पहले मेरा काम तुम्हें ही करना होगा। लेकिन मुझसे उतना अच्छा नहीं होगा नंदू भैया, इससे तो बेहतर ड्रामा ही रहता है। नहीं राजन नहीं, ड्रामा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। एक सिपाही के गिर जाने से फौज आगे बढ़ने से नहीं रुक सकती राजन, नहीं रुक सकती। ड्रामा होना ही चाहिए। चटपट तुम मास्टर साहब से कह दो मेरा काम राजन करेगा। बाल मंडल की स्थापना का श्रेय हमारे स्कूल के होनहार विद्यार्थी को ही, जिसका नाम नंदलाल है, हम उसे प्यार से नंदू कहते हैं। क्या कहा? ओ, ये लड़का कौन है? ये हमारे स्कूल का एक होनहार विद्यार्थी है राय साहब। तो जिस लड़के का मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था, वो लड़का नंदू ड्रामे की तैयारी करते हुए गिर पड़ा और जख्मी हो गया है। उसकी जगह श्रीमान राय साहब कैलाशनाथ के सुपुत्र चिरंजीव राजन काम करेंगे। चलिए राय साहब चलिए। देखो बेट लीलो जी जाओ पर्दा उठाओ। चलो जी। डॉक्टर साहब आप घबराइए नहीं, मैंने पट्टी बांध दी है। पंजाबी पंजाबी असी पंजाबी पंजाबी छे होए, असी पंजाबी पंजाबी असी पंजाबी पंजाबी छे। गंगा पारी गंगा पारी गंगा पारी रे, गंगा पारी गंगा पारी गंगा पारी रे, गंगा पारी गंगा पारी गंगा पारी रे, गंगा पारी गंगा पारी गंगा पारी रे। मैं हूँ बिहारी बिहारी, मैं हूँ बिहारी, मैं हूँ बिहारी। माफ करना नंदू भैया। भूल जाओ राजन। राजन खुश नजर आओ। सब है भारतवासी,
लेकिन छोटे सरकार का कहीं पता नहीं। मैं कह जो रहा हूं कि घर ही पहुंचा होगा। चलो बिलावजी परेशान हो रही। राजन हाँ
भी नहीं है। अब जाओ बेटे, घर चले जाओ। चला जाऊंगा माँ जी, नंदू भैया टूट बैठे, अभी तक उसका पता नहीं, भगवान जाने वो कहाँ है। आप भी कैसे बाप है जो अभी तक खामोश है। चलिए उसे ढूंढने, चलिए, मैं कहती हूँ चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। राजन, नंद भैया घर में गए क्या? माँ कहाँ है? वो भी यहीं कहीं, बेचारी रात भर जाती रही। माँ ऐसी होती है राजन। मैं कहती हूँ राजन को लेकर आइए, भगवान ना करे अगर वो कुछ कर बैठा तो मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगी। ये क्या कहती हो मेरी माँ? जी आज मैं खामोश नहीं रहूंगी, मेरी आंखें खुल गई हैं और मुझे अच्छी तरह यकीन है कि राजन किसी भी बुरी संगत में नहीं है और वो जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मैं आपकी पत्नी, इस आलीशान कोठी की मालिक, एक मेरा खानदान की बहू की हैसियत से नहीं बल्कि माँ की हैसियत से कहती हूँ राजन को लेकर आइए। मैं कह चुका हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा। बेहतर है मैं ही अपने नाल को ले जाऊं। मैं भी आता हूं। कितनी तकलीफ उठाई? तकलीफ कैसी माँ, नंदू भैया ने ही तो मुझे सिखाया था कि किसी का दुख दूर करने के लिए छोटा काम भी किया जाए तो बहुत बड़ा होता है, और जो कुछ मैंने किया वो तो मेरा फर्ज था। ठीक है बेटे, इस फर्ज से भी बड़ा और भी एक फर्ज है, उसे तुम भूल रहे हो, और वो है अपने माता पिता को किसी तरह का दुख नहीं देना। तुम्हें घर जाना चाहिए था, अभी तक आंखें बिछाए वो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। वो तो ठीक है माँ, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि नंदू भैया अगर एक रोज अखबार बेचने न जाए तो घर की क्या हालत हो जाएगी। हमें हमारी हालत पर छोड़ देना था बेटा, गरीबी में गुजारा करने की आदत हो ही जाती है, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। ये तुमने बड़ी भूल की, इससे तुम्हारे पिताजी कभी खुश न होंगे। पिताजी? हाँ, कुछ पिता ऐसे होते हैं जिनका प्यार हम देख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो छुपा कर रखते हैं, लेकिन पिता पिता है। जरा सोचो बेटा, जब तुमने पहली बार उनकी गोद में मीठी किलकारी भरी होगी तो वो कितने खुश हुए होंगे। जब तुम पहली बार जमीन पर घुटने के बल चले होंगे तो उनका दिल गसों ऊपर उछला होगा। जब उन्हें मालूम होगा कि जिस फूल को उन्होंने नाजों से पाला पोसा था वही गलियों की धूल खाता हुआ अखबार बेचता रहा, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। समझते हुए भी मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ माँ जी, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांग लेता हूँ। हाँ बेटा, पिताजी से माफी मांगना और माँ के आंसू पोंछना यही तुम्हारा धर्म है। राजन, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं रात भर घर नहीं आया। पहले अपने बाबूजी से माफी मांगो। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ,
माफ कीजिए बहन, मैंने सुबह सुबह आकर शायद आपको बहुत तकलीफ दी। जी तकलीफ कैसी, हमारे बड़े भाग जो आप हमारे यहाँ पधारे। बड़े भाग तो हमारे हैं बहन, जो आप जैसी देवी के दर्शन हुए। आपके बेटे का उपकार तो मैं कभी भी भूल नहीं सकती, जिसने मेरे बच्चे को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया। सिर्फ बच्चे ही को नहीं, बड़ों को भी। बेटे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ कि आज तुम्हारी वजह से झोपड़े और महल का बहुत पुराना फर्क मिट गया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मिर्जा जी, इन लोगों के लिए हमारी नई कोठी खाली करा दो, उसमें अपनी सभाएं और नाटक बनेंगे। वहाँ एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और सिनेमा देखने का छोटा सा मशीन भी। जरूर होनी चाहिए, इन चीजों का भी बंदोबस्त कर दो। जी हुजूर, मेरे लिए क्या हुक्म? तुम वहाँ की रखवाली करते रहे। मिर्जा जी, जी अब कैसी रही? बहुत अच्छी रही। संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले, बोली अपनी अपनी भोले। खामोश क्यों हो गए मेरे बच्चों, गाओ। संग संग डोले जे संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के